वो सुरक्षित रहेंगे तो ग्रीन टीम के अंदर सुरक्षित रहेंगे, समझ लेना इस बात को। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना ये श्रीदेवी और अमिता जैसे स्टेट पे धारे और उनकी जिंदगी ऐसी हो, तो तुम्हें तुरंत एक ब्रिज को बिल्ड करना पड़ेगा और 90 दिन में डायमंड करना पड़ेगा। फोटो है जो स्टेज पे खड़े हैं अपनी दीवार के अंदर अपनी बाड़रोप के बाहर, और एक बहाना अगर तुम्हें दिमाग में आया तो उनकी शक्ल देख लेना। लोग डरते इस बात को कहने के लिए, और मैं उस बात को कह रहा हूं, लोग डरते इस बात को बोलने के लिए कि तुम मर जाओगे एक दिन, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा। और मैं कह रहा हूं तुमसे, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन आयु छह तो कभी भी हो सकता है किसी का भी। और उतनी आयु रही और तुम्हें काम नहीं कर पाए जो तुम्हें करना है, तो क्या करोगे और क्या मुंह दिखाओगे दूसरों को। इसलिए एस पी भारिल ने तेजी से काम किया कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। आज वो घर से कह रही है ना, अमिता गर्व से कह रही है, श्रीदेवी गर्व से कह रही है कि सर मेरे पति ने सही डिसीजन कह दिया। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पत्नी ये कहे स्टेज पे कि मेरे पति ने सही डिसीजन नहीं कर पाया और आज हम दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों के मुंह से वो भी कहें कि मेरे पति ने सही डिसीजन कर लिया, इसलिए आज हम सुखी हैं। ये लोग तो वो है जो विजिस कर चुके, ये लोग तो वो है जो कर चुके। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एक काम तो कर चुके, तुमने डिसीजन कर लिया, तुम भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, तुमने डिसीजन कर लिया, बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पर दुर्भाग्यशाली तब बनोगे जब तुमने धीरे धीरे किया। तो तुम्हारी स्पीड चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए। अगर राजेश चला जाता स्टार बने बिना तो क्या होता। अगर साइन कर देता और 5% पे 1% पे होता, ये टीम नहीं होती गब्बर वाली, तो क्या होता। कल कुछ हो उससे पहले मैं काम खत्म कर दूं, डायमंड लेवल तक, क्राउन लेवल तक ब्रिजेस को लेके जाओ कम से कम, फिर तो हो जाएगा सब। इसलिए मुझे स्पीड चाहिए, इसलिए बहानेबाजी चाहिए, इसलिए तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत इस मिशन को पूरा करने के लिए, तुम्हारी अपने परिवार के लिए तुम्हारी जरूरत है। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। थैंक यू।